एहसानुल हक मलिक आवा हो यार, तुम आवा। सम्माननीय से हमारे सहयोगी श्री नारायण कुशवाहा जी, आज मैं करमौर गांव में हूँ जो नेपाल के बॉर्डर से रहता है और जनपद सिद्धार्थनगर विकास खंड लोटा। यहाँ हमारे साथ तमाम गरीब महिलाएं हैं जो सरकार से जो सुविधा मिलती है या तो उनको नहीं मिल रही है या फिर विलम्ब से मिल रही है। आप अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए। आपको राशन मिल रहा है? नहीं। राशन कब से नहीं मिल रहा है? ढेर दिन हो गया, बनायला नहीं है। बनला नहीं। प्रधान कार्ड नहीं बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपको गल्ला मिल रहा है? पेंशन मिल रही है? सरकारी मकान मिला? नहीं। सरकारी मकान आपको मिला? नहीं। आप अपना नाम बताइए। आपको गल्ला मिल रहा है? नहीं मिला था। पेंशन मिल रहा है? हाँ, पाइला। सरकारी मकान मिला? नहीं। और मिला। कोई सरकार की तरफ से सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं। आप अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए। आपको पेंशन मिल रही है? राशन मिल रहा है? तो पेंशन रुकी हुई है क्या थोड़ा? नहीं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए। सावित्री। आपको राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिला है। पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिला था, अब फिर भर नहीं मिला। अच्छा, इस बार पेंशन नहीं मिली है। आपको आपको गल्ला मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? पेंशन मिला। पेंशन मिले थे। आप अपना नाम बताइए। राजवती। पेंशन मिल रही है? गल्ला मिल रहा है? गल्ला नहीं मिला था। कब से नहीं मिला था? तीन बेर नहीं पाए। अच्छा, तीन बेर से नहीं पाए हो। सरकार से और कुछ सुविधा मिल रही है? नहीं। सरकारी आवास मिला है? नहीं। आप अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए। आपको गल्ला मिल रहा है? पेंशन मिल रही है? और सरकारी आवास मिला? और कोई सुविधा सरकार से मिल रही? आप अपना नाम बताइए, जोर से बोलिए। गल्ला मिल रहा है? पेंशन मिल रही है? अच्छा, आप बेटे अपना नाम बताओ। नाम बताइए। ये विकलांग है, पेंशन मिल रही है? पेंशन नहीं मिल रही है? गल्ला मिल रहा है? और कोई सुविधा मिल रही है आपको? एक मिनट रख जाइए। इस गांव के पूर्व प्रधान हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है और इसमें बाढ़ से कितना नुकसान होता है, साथ साथ आपकी जो किसानों की समस्या है वो क्या समस्या है, खाद पानी बिजली की व्यवस्था क्या है और मजदूरों की आपके गांव में स्थिति क्या है जो बाहर से आए हैं, इन सारी चीज़ों पर आप बताएंगे। बाढ़ से जो है, तेज बोलिए। बाढ़ से जो है बंधे के जो है उत्तर साइड में विलुप्त हो गया, खाली उधर बांध के जो है निकल पाए जो है। अच्छा, जो उत्तर की तरफ बह जाता है उसमें कोई सरकार जब जितना कोई कंपनसेशन या कोई मुआवजा या कुछ तरह का कुछ मिला है? क्या आपने सरकार के को कोई इस तरह का कोई लेटर भेजा है? नहीं, कोई सर्वे हुआ है? आते हैं लेखपाल उपाल जो है, सर्वे नहीं करते हैं तो क्या किया, अपनी जान को करके। तो आप इसके लिए खुद पूर्व प्रधान हैं, तो आप भी एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो आपको जिलाधिकारी से अवगत आपने कराया है सारे मामले? कराया, हम अपने परेशानी और तबीयत खराबी में
अच्छा 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 तो किसान की हालत यहाँ क्या है? देखिए जो है जिसका नाम कोटे कोटे गल्ला पाना है वो वंचित हो जाता है, जिसके नाम से कार्ड है वो जो है कैंसिल हो जाता है, दूसरा कोई पा जाता है। मकान की बात है जो गरीब है उसको जो है आवास आवास नहीं पाने लायक है, एक दफा नहीं तीन तीन दफा जो है प्राप्त हुआ है किसी अपने नाम से पिता नाम से बेटी नाम से अलग करके जो है एकदम बचते है मकान नहीं। सरकार ने कहा था किसानों की आय दुगुनी करेंगे, क्या दुगुनी हुई है किसानों की आय? कुछ नहीं दुगुनी क्या हुई है, खाली नारा है। 15 लाख रुपया आपको मिले? नहीं तो खाली अपना पाव है। अच्छा कुछ नहीं मिला है, कोई सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है? मकान वगैरह, मकान वगैरह जो ये तमाम ये महिलाएं कह रही थी कि कोई मकान हमको आवंटित नहीं हुआ है, बहुत को गल्ला नहीं मिलता है, बहुतों को पेंशन नहीं मिलती है। नहीं पेंशन तो जो है जैसे ज्यादा लोग वंचित हैं, विधवा पेंशन है या विधवा है, और जो प्रधान है वो जो है खाली अपनों को जो है बनाते हैं, जो उनके बहुत कहते हैं उनका जो है तीन तीन दफा मकान जो है पहले आधार कौन जाएगा ग्रोथ का। हमारे साथ महेश कुमार पासवान जी हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पासवान जी आप सुन रहे थे कि यहाँ जो समस्याएं हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार आप इन लोगों के कामों के लिए जैसे विधवा पेंशन, अन्न पेंशन, राशन कार्ड, गल्ला की सारी व्यवस्था आप थोड़ा देख रहे हैं, मगर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इससे वंचित है, ना तो सरकारी मकान मिला है, ना बहुत लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, इस पर आप बताएंगे मुझे? नहीं देखिए हम लोग विशेष अभियान छेड़ दिए हैं और विशेष अभियान में मैं तो आम पब्लिक है, पूर्व प्रधान जी हैं, आप लोग मीडिया से हैं, सारे लोगों से मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ या अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी दिव्यांग हो या जनरल व्यक्ति हो या कोई पेंशन का पात्र हो, वृद्धा है, विधवा है, या ऐसे पेंशनों के लिए CSC सेंटर पर जाएं, अपना आवेदन कराएं, जितना आवेदन हो जाए ऑनलाइन की प्रति हमें मुहैया कराएं, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि सारे लोगों को पेंशन मिल जाए और समय से मिले। जहां तक किसान की बात रही कि मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद बीज समय से नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग एक रणनीति के तहत जो है एक मांग पत्र बना करके जिलाधिकारी महोदय को हम लोग यथाशीघ्र देंगे। समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस गांव में मैं जा रहा हूं देख रहा हूं कि राशन नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए सरकार की घोषणा हुई है कि एक दिव्यांगजन को 35 किलो जो है राशन मुफ्त में मिलेगा, तो अभी पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड नए बनाए जा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने दिव्यांग हैं अगर उनका राशन कार्ड नहीं बना है तो वो संपर्क करें, हमारे ऑफिस में आए, मद्दनिया में हमारा ऑफिस है, निरंतर हम लोग 24 घंटा सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, किसी भी लोगों को कोई परेशानी हो तो 24 घंटा मुझे संपर्क कर सकता है। मेरा एक राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड होने के नाते जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि दिव्यांग जनों का चाहे वो UDID कार्ड ना बना हो, पेंशन ना बना हो, या राशन ना मिल रहा हो, या उनको आवास की आवश्यकता है, तो ये सब मुहैया कराने के लिए दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों को सुविधाएं मिले जो पात्र व्यक्ति हैं। कई बातें यहाँ उभर के आ रही हैं, जैसा कि पूर्व प्रधान जी बता रहे थे कि जो सरकारी आवास है एक के नाम से तीन तीन बार आवंटित किए गए हैं और जो पात्र हैं उनको मिल नहीं पा रहा है, एक इसमें कोई ऐसी साजिश है या जो भी है, इसके लिए सरकार को जाँच कराना चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ये सारी बातें सरकार को लिखित में अवगत कराएं, कि मैंने तमाम गांव में देखा है कि जो पात्र हैं उनको तमाम सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हमारे महेश कुमार जो पासवान जी हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, इनका लगातार ये प्रयास है कि जो पात्र लोग हैं उनको वो जो सरकार से सुविधाएँ वो मिले। धन्यवाद।